Hey guys, welcome to my channel, Tech Jitendra Nadu. So, ये वीडियो हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था जॉब में, तो इसलिए ठीक है. तो आज हम आपको बताएंगे एंगुलर पे थोड़ा ट्यूटोरियल्स के. ठीक है, आप एंगुलर 12 या फिर एंगुलर में आप लूप कैसे चला सकते हो. ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, अपने डेस्कटॉप में जाते हैं और एंगुलर का फोल्डर होगा और शायद हमने प्रोजेक्ट करके बनाया था कुछ. हाँ, इसको कोड डॉट ओपन करने से ये ओपन हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड में. लेकिन ये कोड जो डॉट है वो सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड में ही चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा. सो यू मस्ट हैव विजुअल स्टूडियो इन योर विंडोज. सो लेट्स स्टार्ट इट. और ये हम थोड़ा अपडेट करते हैं. ठीक है, ये शेयर्ड वाली हम डिलीट करते हैं, हमको नहीं चाहिए. ये नोट्स भी हमको नहीं चाहिए, हम बाद में लेंगे. और ये है हमारा डिफॉल्ट. ठीक है, और ये ऐप कंपोनेंट डिलीट करते हैं. मॉड्यूल में हमको ये हमारा कंपोनेंट नहीं है. राउटर ये डिएक्टिव मॉड्यूल फिलहाल के लिए हमको नहीं चाहिए. ठीक है, अभी इसको ऑन करते हैं, मतलब सर्वर स्टार्ट करते हैं. तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही होगा ng सर्व करके एक कमांड है. और गाइस कमेंट करना ng की फुल फॉर्म क्या है, मुझे तो पता ही क्या है. और हिंट के लिए आपको बता दूँ, जब आप लिखते हो ng c मतलब जनरेट कंपोनेंट, तो उन दोनों में से एक वर्ड है इसकी फुल फॉर्म आती है, जो आपको पता लग गया होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं. ठीक है, इसको जूम करता हूँ मैं. ठीक है, और ये शायद हो गया है, रन नहीं हो रहा है, मेरा पीसी बहुत स्लो हो गया है. ठीक है, अभी हम इंडेक्स वस्टी में हमको नहीं चाहिए. हाँ, इधर हम पहले एक H1 टैग लेते हैं. चल का ही नहीं रहा, व्हाट इज दिस, गो टू कंपोनेंट. नहीं, ठीक है, H1 शायद चल गया है. हाँ, जनरेट हो रहा है. तो इसको पहले ही अपन लोकल होस्ट IP दे देते हैं, लोकल होस्ट 420. ठीक है, चल जाएगा. तब तक हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, देन अपन सब. तो हमको आज हमारा वीडियो होगा लूप के बारे में. तो अगर आपको कोई भी फंक्शनल जो आपको करना है वर्क, वो होगा आपके कंपोनेंट वाले पार्ट में, app.component.ts. ठीक है, ये ऐप राउटिंग आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, ये मैंने अलग से जब आप ng न्यू करके जब आप अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट करते हो तभी आपको गेट होता है. ठीक है, तो उसमें आप अगर आप राउटिंग यूज़ करना चाहते हो आपको फिर ये फाइल मिलेगी, अदरवाइज़ ये फाइल आपको नहीं मिलेगी. तो सिंपली क्या करना है आपको, ये हो गया, एक्सपोर्ट क्लास हो गई. ठीक है, देन अभी आपको क्या करना है, अभी क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट में जाएंगे और सबसे पहले हम एक नाम से अपना यूजर डिफाइन करते हैं. ठीक है, जिसमें पहला नाम होगा मेरा चंद्र, सेकंड होगा मोहित का, मेरा फ्रेंड है जो मेरा भाई है, और विपुल. ठीक है, बाय एक ऐसे लेते हैं. देन इसको पहले अपन प्रिंट कराएंगे. फिर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, कॉलम आएगा और ये एम्प्टी आ रहा है बिकॉज कि यहाँ पर है कुछ नहीं. तो सबसे पहले हेलो करके देखते हैं, हेलो आ गया है क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप लोड की, आपको पता हो अपने इसमें ग्लोबल में, तो इसलिए वो डिज़ाइन आ रहा है, मतलब वो थोड़ा उसका वो मार्जिन वगैरह थोड़ा ऊपर गया है बूटस्ट्रैप के हिसाब से. ठीक है, अभी आपको चलाना है लूप. तो क्या करना है एंगुलर में लूप चलाने के लिए, सिंपली आपको पता ही होगा, आप स्टार्ट करके ng4, इसका मतलब होता है, आपको मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन शायद, हाँ यही है, ये फुल फॉर्म है इसका. ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दिया था जनरेट वे पर जनरेशन. ठीक है, तो ng4, देन आपको आप उधर अपने जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, लेट करके करते थे ना, तो आपको लेट
आइटम ऑफ क्या नाम है आपका उसका यूजर, वो यूजर्स कर देते हैं क्योंकि मल्टीपल है तो चलेगा, ऐसे कोई नहीं, लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए ना, यूजर्स कर देते हैं, ठीक है, हो गया। देन अभी आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन, देन आपको आइटम, तो देखते हैं मैं, वेट अ मिनट व्हाट हैपन, सॉरी आइटम ऑफ यूजर्स कहे नहीं मिला भाई, मिला ना, शायद सेव नहीं किया था हमने, ठीक है, आप देख सकते हो, जूम कर देता हूँ और थोड़ा मार्जिन का कर देता हूँ मैं, क्लास दे देता हूँ मैं मार्जिन ML5 लगा काहे नहीं लगा भाई, तो कोई बात नहीं, स्टाइल दे देता हूँ मार्जिन 120 पिक्सल, शायद राइट आएगा, क्या है इसमें, कहा नहीं लगता, एरर कहा दे रहा है, अरे रे रे एरर तो देगा ही, क्या है भाई, हाँ हो गया, ठीक है, इसको आप ये हो गया। अब इसको आपको जैसे ये तो सिर्फ नाम हो गया, अगर आपको डिटेल्स चाहिए साथ में तो एक हम डिटेल्स करके बना देते हैं, डिटेल्स, देन ये अपना अरे का, देन अपना ये कर्ली ब्रेसेस, सिंगल ब्रेसेस, ठीक है, इसमें आपको पहला लिखना है नेम इज जेंडर, एंड अगर आपको डिटेल चाहिए मतलब जैसे यूजर्स जितेंद्र है तो उसकी आपको डिटेल चाहिए तो नेम जितेंद्र हो गया, देन मतलब डिटेल के साथ, देन ईमेल हो गया आपका जितेंद्र @test.com, देन फोन हो गया आपका 6222, देन इसको कॉपी करते हैं फॉर मोहित, देन विपुल मोबाइल नंबर करते हैं चेंज, ठीक है, अभी हमको डिटेल के साथ चाहिए, ठीक है, और ये हो गया, देन इसको कॉपी करते हैं और इसमें यूजर्स के साथ में डिटेल आएगा, सॉरी डिटेल क्या है भाई, इज नॉट एग्जिस्ट डिटेल्स, सॉरी व्हाट हैपन एक्सपेक्टेड कोमा, अरे हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता हो तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न क्यों हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट रिटर्न इसलिए हुआ है कि हम इधर क्या करा रहे हैं, आइटम, तो आइटम में तो ये सब है, ये इसको पता नहीं लगेगा क्या नेम क्या है, क्या मतलब उसको गेट करना है, क्या आउटपुट दिखाना है, इसको पता नहीं लगेगा, मैं आप 2 मिनट का मेरा क्या थोड़ा रिकॉर्डिंग सिर्फ 10 मिनट चलती है ना, तो इसलिए, ठीक है, ओके तो ये हो गया, देन अभी आपको क्या करना है, index.html, आपको जैसे नेम चाहिए, नेम, ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ, आपको पता चलेगा अच्छे से, यार हो गया, ये तो नेम आ गया, अभी आपको जैसे एक बढ़िया सा डिज़ाइन दे देते हैं, item.email, ये आ गई ईमेल, अभी आपको इसको टेबल में करना है तो आप टेबल में भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया टेबल ले लेते हैं, टेबल में फिर अपना thead, tr, th, नेम दे सकते हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कब करना क्या है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, देन अभी इसको आपको सिंपली अपने
अल्ट शिफ्ट एक्सटेंशन है विजुअल कोड में, वो आपको ऐसे कर देना है। देन आपके जो कॉलम्स हैं नेम के वो आपको लगा देना है इधर। देन ईमेल्स और नेक्स्ट आपको अपना क्या है फ़ोन, तो ये आप हेडिंग हो गई। अब आपको सिम के लिए क्या करना है, सीधा ये अपना बन गए। अब पहले इसका अपन आउटपुट देखते हैं। सो टेबल हमारा आया नहीं क्योंकि हमने क्लास लगाई नहीं। तो क्लास लगाते हैं टेबल की, नहीं आई क्या है? हमारी क्लास अच्छा हमने गलत जगह क्लास लगाई है, हो जाता है कभी कभी। हाँ अब इसको हम एक टीम में डालते हैं, हम एक इसको डी में डालते हैं। देन इसको करके टेबल से बाहर, सॉरी टेबल से बाहर प्रिंट करते हैं। फिर हो गया है डी में, इसको करते हैं एक क्लास में कंटेनर क्लास देते हैं इसको। देन सेकंड क्लास हम देंगे दो और एक ऑफसेट दे देंगे ताकि हमें बराबर से सेंटर में दिखे। ठीक है इसको फॉर्मेट कर देते तब। ठीक है फॉर्मेट हो गया। ठीक है और एक हम लेंगे कॉल एल जी करके सिक्स दे देते हैं। इसको ऑफसेट देंगे हम थ्री ताकि वो थोड़ा राइट में आ जाए, ऑफसेट थ्री। ठीक है और इसको करते हैं कंट्रोल एक्स करके। देन ये अपना सेंटर में आ गया है। तो साला कौन है साला बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ये आ गया अपना। फिर अपना टेबल बॉर्डर, अगर हमको टेबल बॉर्डर चाहिए तो टेबल बॉर्डर बॉर्डर में आ गई। ठीक है हम बाकी ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, आपको जल्दी से बताएंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने। ठीक है अपने बाद नेक्स्ट होता है टी बॉडी। देन टी आर अपन इसमें चलाएंगे अपना लूप। ठीक है स्टार्ट करके आपको पता ही है लूप के लिए आपको क्या करना है सिंपली। देन लेट ठीक है ये हमारा लूप चल गया है। अब हम क्या करेंगे सिंपली लेंगे टी डी देन आइटम डॉट नेम करेंगे। हाँ हमें बड़ा बर्ड से मिल रहा है। तो अभी क्या करते हैं अभी ईमेल करते हैं देन विद अ फोन। ठीक है तो गाइज आप देख सकते हो हमें अपनी टेबल मिल चुकी है। अगर आपको भी देखना है तो आप भी देख सकते हो कि हमें हमारी टेबल ऐसे प्राप्त होगी। जो हम फोन लूप चलाएंगे तो इसमें डिटेल ऐसा आएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, टी आर में ये लगा देना है लेट आइटम, मतलब लेट करके वो चलता है इसमें, उसमें लूप चल जाएगा। ठीक है तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूले और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है तो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। गुड बाय।